डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी के समय ऐसा सोचा गया कि देशभर में इतना सारा काम हो रहा है तो उसको एक व्यवस्था में लाएं और उसके आधार पर उस कार्य का और विस्तार करें। तब से संघ में और सेवा विभाग के कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ वर्ष पश्चात औपचारिक सेवा विभाग भी बन गया तो उसके द्वारा संघ की शाखाओं में आने वाले स्वयंसेवकों में सेवा की मानसिकता को जागृत करना, होती सब में है सोई रहती है, उसको जगाना पड़ता है। सब लोग उत्साह में काम करने के लिए आते हैं लेकिन उत्साह के कारण दृष्टि थोड़ी एक लक्ष्य बन जाती है, उनका ध्यान बटोरना। भाई जैसे देश की सुरक्षा एक विषय है वैसे देशवासियों की सेवा भी दूसरा विषय है, उसकी आवश्यकता है। ये सारे काम वो सेवा विभाग करता है और फिर संघ के स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं उसका कुछ स्वरूप बनता है तो उसके न्यास संस्था ये सब बन जाता है। एक ऐसी सेवा की एक बड़ी सृष्टि संघ के स्वयंसेवकों की खड़ी हुई है। और ये भी नहीं है कि देश में सेवा करने वाले पहले संघ के स्वयंसेवक है, हमारे देश में ये सेवा का मंत्र तो पहले से दिया गया है। अभी एक बार ऐसा सोचा गया कि सेवा कहने के बाद, सर्विस एक्टिविटी ऐसा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्ध जन मिशनरियों का नाम लेते हैं। दुनिया भर में मिशनरी अनेक संस्थाएं चलाते, अनेक स्कूल चलाते, अस्पताल चलाते, सबको पता है। तो भाई हिंदू समाज के संत सन्यासी क्या कर रहे हैं, ऐसा सोच के एक बार चेन्नई में, तमिलनाडु में जितने हिंदू संत है उनका अगर कोई सेवा केंद्र होगा, कोई सेवा करते होंगे तो उसको आमंत्रित करके एक हिंदू सर्विस सेवा फेयर ऐसा किया गया। तो ध्यान में आया कि दक्षिण के चार प्रांतों में, यानी राज्य के नाते अलग है लेकिन कर्नाटक, कन्नड़ भाषी प्रांत, तेलुगु भाषी प्रांत, मलयालम भाषी और तमिल भाषी, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के हमारे आचार्य मुनि सन्यासी भिक्खु सब मिला के जो सेवा करते हैं वो मिशनरियों की सेवा से कई गुना ज्यादा है। अब मैं ये स्पर्धा की बात नहीं कर रहा हूं, उनसे ज्यादा उनसे कम ये मेरा पैमाना नहीं है, सेवा का ये पैमाना हो भी नहीं सकता। सेवा सेवा है, सेवा कोई स्पर्धा की बात नहीं है, सेवा से कोई काम निकालना नहीं है। सेवा ये मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।